Good afternoon, everyone. Can you guys see me and can you guys hear me? जल्दी से थम्स अप दे दीजिए इन द चैट बॉक्स. यस, क्लासेस स्टार्टेड. हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू? सभी बच्चे लोग कैसे हो? सभी अ वेरी लवली गुड आफ्टरनून. आई जस्ट कीरा देन भरत एंड सीमा शांता, देन वी हैव महेश, गणेश. हेलो, हाय विपुल, हार्दिक, श्या, अच्छा सॉरी, अखंड, हाय हाय, अक्षांश. ओके, हाय बच्चे, ग्रेट टू सी यू ऑल. हाय आर्यन, हाय गणेश, हाय समृद्धि. हेलो आर्यन, हाय ब्रह्मा, अच्छा स्निग्धा सॉरी, हाय समृद्धि, साकेत एंड अखंड अगेन. कैसे हो सभी? आई एम सो सॉरी, आई थिंक दैट यू रिटन कनिष्का हियर और कनिष्क. हाय इंद्रप्रीत, कैसे हो सभी बच्चे लोग? आई होप यू डूइंग गुड. कल ओके, बहुत बड़ा सेशन हो चुका था यहाँ पर. बहुत ही अब्रप्टली एंड भी हुआ था हमारा सेशन. पढ़ते पढ़ते बीच में माय इलेक्ट्रिसिटी वेंट ऑफ एंड मुझे लग भी रहा था उस टाइम मेरा इन्वर्टर ऑन हो गया. एंड या फिर इन माय इन्वर्टर वाज एक्टिंग अप. बीच में आई कुड सी फील ऑल्सो कि आई थिंक नेटवर्क लैग हो रहा था और एकदम से फिर बंद ही हो गया. सो एनीवे, कल का जो सेशन हमने शुरू करा था, वी वर अबाउट टू फिनिश विद आर ब्रेथ, सॉरी, सर्कुलेटरी सिस्टम. हम ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ रहे थे पूरा का पूरा. आई होप यू गाइस हैव सीन दैट वीडियो. इफ नॉट, तो आज जल्दी से उसको हम रिवाइज भी करेंगे. यू मोस्ट वेलकम बच्चा. यस 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 परी, हम आईसीएसई भी करने वाले हैं, डोंट यू वरी अबाउट इट. ऑल राइट, डू प्ले, सुपर. हाय शिवम, यस वी डू हैव अ मेंटी टुडे. आज हम बहुत ही थोड़ा सा टाइनी लिटिल टॉपिक रह गया था कल, जो बिकॉज ऑफ बहुत ही अब्रप्टली जो एंड हुआ था सेशन उसमें हम फिनिश नहीं कर पाए थे. बट आज वो थोड़ा सा टॉपिक जल्दी से फिनिश करके वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द मेंटी क्विज फॉर दिस चैप्टर. ऑल राइट, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का पूरा मेंटी क्विज करेंगे हम. ऑल राइट, हाय सुयश, चलिए ग्रेट. हाय यूनुस, हाय प्रियंका, चलो सुपर. हाय बासु, हेलो. चलिए, अ वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल माई लवली स्टूडेंट्स आउट देयर एंड दोस्त हु आर न्यू हियर, न्यू टू दिस ब्यूटिफुल चैनल ऑफ अन अकेडमी. सबसे पहली बार आप मेरी क्लास में आए हो, मेरा नाम है स्नेहा सरदाना एंड आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर हियर ऑन दिस अन अकेडमी चैनल. आई होप यू गाइस आर हैविंग अ गुड टाइम हियर. आपको सारे के सारे सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ने को मिल रहे हैं एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑफ कॉस्ट, दिस इज जस्ट यूट्यूब, राइट? तो हम डिटेल में पढ़ा रहे हैं, पूरी मजे के साथ, मस्ती के साथ पढ़ा रहे हैं. हाय आर्यन, ओके. कल की आखिरी क्लास पूरी हुई भी नहीं थी बच्चे. आई थिंक हाफ एन आवर में ही बीच में देयर वाज दिस इलेक्ट्रिसिटी एरर यहाँ पे मेरी साइड पर एंड पूरा पूरा कनेक्शन खत्म हो गया था. चलिए मूविंग अहेड. हाय इंद्रप्रीत, यू आर न्यू हियर. हेलो मंग, हाय आदित्य, चलिए मूविंग अहेड. हाय परी, थैंक यू सो मच बच्चे. यू आर तहा, ऑल राइट, तहा खान, ग्रेट, गुड टू सी यू. चलिए चलिए चलिए, गुड आफ्टरनून प्रतीक्षा. ऑल राइट, मूविंग अहेड. यस, इवन आई एम इन बैंगलोर राइट नाउ. आई एम फ्रॉम चंडीगढ़ बट देन या आई गॉट मैरिड हियर, सेटल हियर इन बैंगलोर. या इजंट इट जस्ट कीरत? ओहो, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट. बीच में या माय लाइट वेंट ऑफ और मेरा इन्वर्टर भी खराब हो गया. आई डोंट नो क्या हुआ, उसमें से आवाज आने लग गई थी एंड कंप्लीटली शट ऑफ हो गया वो. टुडे इज द फर्स्ट क्लास इन बायोलॉजी. रेखा, वेल ओके, मोस्ट वेलकम बच्चे. कनिष्क, आई नो आई नो आई नो, यू आर अ रेगुलर स्टूडेंट हियर. आई एम परफेक्टली फाइन, थैंक यू सो मच. चलिए चलिए, अब बहुत सारी बातें कर लिया हमने. सभी न्यू बच्चों को अगेन, जैसे मैंने अभी आपको बताया, मेरा नाम है स्नेहा सरदाना एंड ओ कोपल इज ऑल्सो. ओ दैट्स सो लवली बच्चे. यस वेलकम रेखा टू दिस बायो क्लास. और यहाँ पे हम पूरा का पूरा मजे के साथ, इनफैक्ट सेवेंथ क्लास का बायोलॉजी पोर्शन जो है ना आपके साइंस में बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे बहुत पसंद है पर्सनली, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट यू, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम. तो पूरा का पूरा आपकी बॉडी के बारे में हम पढ़ते हैं, राइट? हाय
हाय सीमा। यस बच्चे, आई हैव हैड माय लंच। आई होप आप सभी बच्चों ने भी लंच कर लिया है। ऑलराइट बासु, आपका भी पहली क्लास है, जो चलिए। ओके सुपर, ग्रेट, गुड टू सी न्यू फेसेस, न्यू बच्चे लोग, दोज हु हैव जॉइंड अस टुडे, ग्रेट टू सी यू ऑल। डू लाइक दिस चैनल बच्चे लोग, डू शेयर द वीडियोस, डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जब भी हम रोज आते हैं। हिमांशु थैंक यू बच्चे, राइट बैक एट यू। एंड चलिए ग्रेट। अच्छा, यूर आकांक्षा हियर। ओके ओके ओके, मूविंग अहेड। हाय शांता, हाय आदित्य अगेन। हिमांशु, यू न्यू? आई डोंट थिंक सो, बट ओके। चलिए आगे चलते हैं। राइट जसकीरत, इज़न्ट इट? तो चलो, कल जो हमारा जो जसकीरत से इसकी ज्यादा अच्छा सेशन नहीं गया था, बिकॉज बीच में खत्म हो गया था, अब्रप्ट एंडिंग हो गई थी, इट वाज अ डिजास्टर। सो लेट्स जस्ट रिवाइंड। मैंने नई पिक्चर्स यहाँ पे, नए जिफ्स डाल दिए हैं, जस्ट क्विकली रिवाइंड करते हैं कि ह्यूमन हार्ट जो है वो चलता कैसे है। एंड बाय द वे, दिस इज अ रिविजन गोइंग ऑन बच्चा लोग, राइट? तो अगर आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाओगे ना, व्यू चैनल करोगे एंड यू गो टू द प्लेलिस्ट ऑफ दिस चैनल, उस पे मेरे नाम से, दैट्स नेहा सरदाना के नेम से, देयर इज गोइंग टू बी अ फोल्डर, उसको क्लिक करोगे, यू विल फाइंड ऑल दी, जितने भी आपकी बायोलॉजी के चैप्टर्स है ना 7th क्लास में, यू विल फाइंड ऑल द वीडियोज ऑन दैट। तो हम ये चैप्टर डिटेल में सर्कुलेशन वाला ऑलरेडी कर चुके हैं। ऑल राइट ओके, आप सारे ओल्ड बच्चे हैं, बुरा मान गए हैं। आई रिमेम्बर यू गाइस, कम ऑन, आई कैन रिमेम्बर, इट्स बिन मोर देन अ मंथ यहाँ पर आप सभी मेरे पास, मेरे साथ पढ़ रहे हो, तो ऑफ कोर्स आई रिमेम्बर। दोबारा से स्कूल रीओपन हो रहा है? यस आई हर्ड, बैंगलोर में आई थिंक, इज इट? आई हर्ड अबाउट बैंगलोर, 21st of September से ऑल द स्कूल आर रीओपनिंग, डोंट नो अबाउट द रेस्ट ऑफ कंट्री। चले चले चले, मूविंग हेड। तो वील सी टू इट, ऑफ कोर्स मॉर्निंग में हम क्लासेस नहीं रखने वाले हैं, मैं एज इट इज आई बी शिफ्टिंग टू द इवनिंग स्लॉट ओनली फ्रॉम नेक्स्ट वीक, और मैं आपको टाइम बता दूंगी, ठीक है? ओह अनुष्का, दैट आई एम सो ग्लैड बच्चे, वाओ दैट इज सच अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट टू मी, थैंक यू सो मच, आपको समझ आ रहा है, दैट इज इट फ्रॉम मी। इट्स ऑल अबाउट, आई वॉन्ट कि आप सभी बच्चों को अच्छे से समझ आए, विदाउट एनी क्रामिंग एंड रट्टाफिकेशन, आप लोग समझ कर अपनी बॉडी के बारे में, ठीक है, आपको सब कुछ पता होना चाहिए, राइट? ऑल राइट शांता, वेयर एम आई फ्रॉम? आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। चलिए चलिए शुरू करते हैं, फिर देखते हैं कब तक क्लास होगा, बिकॉज आज थोड़े से सेशन के बाद एटलीस्ट 10 मिनट्स आई टेक एक्सप्लेनिंग दिस इंटायर मैकेनिज्म ऑफ हाउ योर ह्यूमन हार्ट वर्क्स। 10 मिनट में हो जाएगा और उसके बाद हम मेंटी करने वाले हैं। नहीं, नॉट येट ज्ञान बच्चा, नॉट येट, नॉट येट, अभी तक नहीं आया। ओ यस बॉस गेमा, हाय प्रो हैकर, यस वी डू हैव अ मेंटी। ओके मूविंग अहेड, सो ह्यूमन हार्ट, कल हम डे बिफोर वाले सेशन में हमने करा था अबाउट द कॉम्पोनेंट्स ऑफ योर सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि हो गया ब्लड, जो कि हो गया ब्लड वेसल्स, हमने डिटेल में बात करे थे, तो डू चेक आउट दैट वीडियो इफ यू नॉट सीन इट ऑलरेडी। कल हमने बात करा था अबाउट द ह्यूमन हार्ट और ये जो ब्लड पंप होता है ना वो कैसे होता है। तो यस्टरडे वी डिस्कस्ड अबाउट द स्ट्रक्चर, वी हैव 4 चेम्बर्स। अगर मैं बहुत इजियर वे में बताऊ ना इसका डायग्राम, तो ये है आपके 4 रूम्स, ये ऊपर वाले जो हो गए दैट्स योर एट्रियम, दोनों के दोनों, और नीचे वाले वेंट्रिकल्स, जो ये बीच में है ना, इट्स अ वॉल, ये कंप्लीटली पूरा का पूरा बंद है। सो योर राइट साइड ऑफ द हार्ट इज कंप्लीटली सेपरेट फ्रॉम योर लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, राइट? ऊपर ए स्टैंड्स फॉर योर एट्रिया, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड वी स्टैंड्स फॉर योर, जो नीचे के 2 चेम्बर्स हो गए, दैट्स योर वेंट्रिकल्स। लेट मी जस्ट फिनिश दिस, उसके बाद आई एम गोना ask your doubt, I'm gonna take your doubt, sorry। अच्छा, अब ये वाला तो कंप्लीट एक वॉल हो गया जो कि कंप्लीटली बंद है, राइट? दिस इज कॉल्ड अ सेप्टम। लेकिन ये जो एट्रियम और वेंट्रिकल्स है राइट साइड के और एट्रियम और वेंट्रिकल्स है लेफ्ट साइड के, यहां पर डोर प्रेजेंट है। ये डोर कभी ओपन होगा, कभी क्लोज होगा। सो इस बेसिकली इस डोर को बोला जाता है योर वॉल्स। राइट साइड वाली वॉल्व को बोलेंगे ट्राइकस्पिड वॉल्व। हाय बच्चे, वी जस्ट स्टार्टेड, वी जस्ट स्टार्टेड। एंड लेफ्ट साइड वाले को बोलेंगे बाइकस्पिड वॉल्व, ऑल्सो कॉल्ड मिट्रल वॉल्व।
ठीक है बच्चा लोग, तो ये डोर्स हो गए जो ओपन एंड क्लोज होते रहते हैं. अब ये जो राइट साइड है लेफ्ट साइड है कंप्लीटली सेपरेट है बाय दिस वॉल जिसको बोल रहे हैं सेपरेट, जिसको बोल रहे हैं सेप्टम, करेक्ट. अब वेंट्रिकल से ना दोनों जो नीचे वाली चेंबर हो गई राइट साइड ऑफ द वेंट्रिकल से, ये पी यूज इन अदर कलर, वन सेकेंड, ब्लू कलर से बना रही हूं मैं. राइट साइड ऑफ द वेंट्रिकल से एक ट्यूब बाहर निकलती है, एक पाइप बाहर निकलती है जिसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, और लेफ्ट वेंट्रिकल से एक ट्यूब बाहर निकलती है जिसको बोलते हैं एओर्टा. तो मैंने आपको बताया था जो आर्टरी होती है ना इट ऑलवेज कैरीज, इट ऑलवेज टेक्स द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट. तो ये दोनों के दोनों वेंट्रिकल्स में से एक ट्यूब बाहर की तरफ निकल रही है, मतलब हार्ट से बाहर निकल रही है, इट इज टेकिंग द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट. तो बोथ ऑफ दीज आर योर आर्टरीज, इनफैक्ट योर एओर्टा इज द लार्जेस्ट आर्टरी इन द बॉडी, जो बिल्कुल लेफ्ट वेंट्रिकल से बाहर निकलती है और वो सारा का सारा ब्लड पूरे बॉडी ऑर्गन में ले गए. अरे शांता क्या हुआ बच्चे, हैंग ऑन, हार्ट में यही तो बातें सारी की सारी पाइप्स होती हैं. वन सेकेंड, नॉट अंडरस्टैंडिंग, हैंग ऑन. आपने कल का सेशन नहीं देखा था बच्चा, लेट मी ड्रॉ इट अगेन, वन सेकेंड, थोड़ा बड़ा करके बना लेते हैं सो दैट आई कैन ड्रॉ दीज ट्यूब्स प्रॉपरली. हैंग ऑन, आपका उप्स, आपका जो हार्ट होता है ना ह्यूमन हार्ट दैट हैज फोर चेम्बर्स, मतलब इमेजिन कर लो चार रूम्स हैं. मैं इसको स्क्वायर रूम्स बना रही हूँ सो दैट इट बिकम्स ईजियर. ऑल राइट, जो बीच वाला एक वॉल आ रही है ये बहुत थिक वॉल वॉल है, तो इमेजिन कर लो चार कमरे हैं और बीच में सेपरेशन है और ये एक बहुत बड़ी सी वॉल है जिसको बोलते हैं सेप्टम. ये हो गया राइट साइड ऑफ द हार्ट, ये हो गया लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट. अब ऊपर जो चेम्बर्स हो गए हैं उनको बोला जाता है एट्रिया या एट्रियम, बेसिकली एट्रिया इज प्लूरल, एट्रियम इज सिंगुलर. तो ए स्टैंड्स फॉर द अपर टू चेम्बर्स जो कि हो गए दोनों राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम. दिस पार्ट इज क्लियर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम एक्सप्लेनिंग अगेन बच्चे दोबारा से समझते हैं. और जो नीचे वाले चेम्बर्स हो गए दोनों के दोनों उनको बोलते हैं वेंट्रिकल्स, सो दिस वी स्टैंड्स फॉर द वेंट्रिकल्स. तो ये हो गए नीचे वाले, सो टोटल चार चेम्बर्स बताए, दो एट्रियम और दो वेंट्रिकल्स. दिस पार्ट इज क्लियर, ग्रेट, मूविंग अहेड. नो नो नॉट एट ऑल रवि, हमने अभी स्टार्ट करा. अब ब्लड के अंदर, सॉरी सॉरी, हार्ट के अंदर जो ब्लड वेसल ब्लड लेकर आती है उसको बोलते हैं वेन. ठीक है, वेन इज अ ब्लड वेसल विच कैरीज द ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट. एक होती है, और रुको, सो दिस इज योर राइट साइड ऑफ द हार्ट एंड दिस इज योर लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट. ओके, तो ये वेन यहां पर ब्लड लेकर आ गई. सबसे पहले वो ब्लड गया आपके राइट एट्रियम के अंदर. नहीं 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 बच्चे, नॉट एट ऑल. सेप्टम जो है वो एक वॉल है, वो राइट और लेफ्ट साइड को सेपरेट कर रही है, वो वॉल्व नहीं है. यहां मैं बोल रही हूं सेप्टम को वॉल, वॉल्व जो हो गई VALVE, वॉल्व हो गए वो डोर जो ओपन और क्लोज होते हैं. वॉल जो है, सेप्टम जो है कंप्लीटली स्ट्रेट रहेगा, मतलब इस इज कंप्लीटली सेपरेटिंग द टू चेम्बर्स द राइट एंड द लेफ्ट साइड. बच्चे ये नहीं पता कितने मिनट्स का, लेट्स जस्ट स्टार्ट एंड लेट्स जस्ट फिनिश दिस. ठीक है कोपल बच्चे, समझ आया आपको? करेक्ट करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट. मूविंग अहेड, अब वेन ने सारा का सारा ब्लड सबसे पहले एट्रियम में दे दिया, राइट एट्रियम में. अब वो ब्लड, यहाँ पर एक डोर था जिसको मैंने आपको अभी बताया था, इसका क्या नाम है वॉल का, ट्राइकस्पिड वॉल्व. अब ये जो ब्लड सारा यहाँ पे पहुंच गया है, अब वो वाला ब्लड जो ऊपर वाला चेम्बर है वो स्क्वीज होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वो प्रेस हो जाएगा, और सारा का सारा ब्लड कहाँ आ गया, नीचे वेंट्रिकल्स में.
अब वेंट्रिकल में आ गया। अब वेंट्रिकल के बाद, अब मैंने आपको बताया ना, राइट और लेफ्ट साइड तो कंप्लीटली सेपरेटेड है, तो वेंट्रिकल से एक और ट्यूब बाहर निकलती है जिसको मैंने अभी बताया, क्या नाम था? पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरी इज द ब्लड वेसल विच कैरीज द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। तो यहां से वेंट्रिकल से ये ब्लड आ गया इस ट्यूब के अंदर। अब क्या होगा, वन सेकेंड, अब ये जो पल्मोनरी आर्टरी हार्ट से बाहर निकली थी, अब ये चली जाती है हमारे लंग्स के पास। लंग्स में जाकर, ये आपकी लंग्स हैं दोनों, लंग्स में जाकर हमें पता है क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है। तो पल्मोनरी आर्टरी ने सारा का सारा जो ब्लड था, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड था। सो यू नीड टू रिमेम्बर, राइट साइड ऑफ द हार्ट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होने वाला है। हाँ, सो इट इज नॉट अ वॉल्व, ये मत बोलना, ठीक है बच्चे? ऑरिको वेंट्रिकुलर सेप्टम मत, नहीं, उसका वो भी गलत मतलब है। ऑरिको वेंट्रिकुलर मतलब ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में, वो तो आपकी ट्राइकस्पिड वॉल्व है। सेप्टम जो है, इट इज द वॉल दैट सेपरेट्स द राइट एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। अभी बता रही, लेफ्ट साइड की अभी हम बात करते हैं, एक सेकेंड। अब ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो है लंग्स में पहुंच गया। लंग्स में क्या होता है, गैशियस एक्सचेंज। तो बेसिकली क्या हुआ, सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड जो था वो बाहर निकल गया, और सारा का सारा ऑक्सीजन जो था, आपने इनहेल जो करा है वो ऑक्सीजन, दैट एंटर्स द ब्लड। अब लेट मी चेंज द कलर, ओके, आई एम गोना मेक इट विद ग्रीन। अब लंग से बाहर जो आपकी ब्लड वेसल निकली है ना, इट इज गोइंग टू टेक द ब्लड बैक टू योर हार्ट, बट दिस टाइम टू द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। तो एट्रियम में फिर से, अब इस ट्यूब को बोला जाता है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वर्ड का मतलब मैंने आपको कल भी बताया था, पल्मोनरी का मतलब होता है लंग। तो लंग की तरफ जो ब्लड वेसल लेकर जा रही है ब्लड को, उसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, और लंग से वापस हार्ट में जो लेकर आ रही है ब्लड वेसल, उसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन। राइट, नाउ दिस ब्लड इज गोइंग टू हैव ऑक्सीजन इन इट। तो सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये लेफ्ट साइड पे आपका सारा ऑक्सीजन रिच ब्लड होने वाला है। तो सारा का सारा ऑक्सीजन वाला ब्लड फिर से आपके एट्रियम में आएगा। जब भी ब्लड एंटर कर रहा है ना आपके हार्ट के अंदर, तो एट्रियम में करेगा, ठीक है? अब उसके नीचे, बिटवीन योर ऑरिकल, सॉरी योर एट्रियम एंड द वेंट्रिकल, एक और हमारा डोर प्रेजेंट है, एक और वॉल्व प्रेजेंट है, जिसको मैंने अभी क्या बताया, नेम बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है? अब जैसे ही ऊपर वाला, अगेन जो आपका एट्रियम स्क्वीज होता है, तो ब्लड कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा सिंपल टर्म्स में। सो अगेन वेंट्रिकल्स में आ गया ब्लड। अब वेंट्रिकल से एक और ट्यूब बाहर निकलती है, लेट मी चेंज द कलर, नहीं तो आप सारे कंफ्यूज हो जाओगे यहाँ। ओके, ब्लू कलर यूज कर रही हूँ मैं। वेंट्रिकल से फिर से एक ट्यूब बाहर निकल रही है, और ये सबसे बड़ी आर्टरी है, इसको बोलते हैं अयोटा। अभी मैंने आपको बताया अयोटा इज द लार्जेस्ट आर्टरी इन आर बॉडी, दिस इज एन आर्टरी हियर, इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड आउट ऑफ द हार्ट। तो यहाँ पर आप देखोगे इट इज वेरी सिमेट्रिकल, आपका जो पूरा हार्ट है ना, बहुत इजी है, बहुत सिमेट्रिकल है। जो एट्रियम है, दोनों के दोनों अपर वाले जो एट्रियम है, उनके अंदर वेन्स आ रही हैं, और फिर वो दोनों साइड से ब्लड नीचे जा रहा है, एट्रियम से नीचे वेंट्रिकल्स में जा रहा है, एंड नाउ फ्रॉम द वेंट्रिकल्स, दोनों साइड राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से वो ब्लड जो है बाहर निकल रहा है फिर से ट्यूब्स के थ्रू। कार्डियक मसल, बच्चे कार्डियक मसल तो आपके हार्ट की मसल्स हो गई, आपका जो हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहा है, राइट? दैट मीन्स वहां पे कोई मसल है, आपकी सिर्फ मसल ही कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकती है। सो दैट्स योर कार्डियक मसल। यस। अब दोनों साइड पर जो वेंट्रिकल्स हो गए, लेट मी यूज दिस कलर, ये वाला एक ट्यूब था और एक ये वाला ट्यूब था, राइट? वेंट्रिकल से दोनों के दोनों बाहर निकल रहे हैं। दिस बोथ दीज ट्यूब विल हैव अ वॉल्व, अगेन उनके वहां पे एक डोर प्रेजेंट है जिसको बोला जाता है सेमी लूनर वॉल्व।
दोनों के बेस पर, दोनों ट्यूब्स की बेस पर इज प्रेजेंट दिस, यस अयान, बाइकस्पिड वॉल्व का दूसरा नाम था मिट्रल वॉल्व, करेक्ट. और यहां पर वी जस्ट टॉक्ड अबाउट दोनों का नाम क्या है, द डोर्स विच आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ दीज पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा, उसको बोलते हैं सेमी लूनर वॉल्व. अरे शांता बच्चे सुनो मेरी बात. चलो अब ये तो मैंने जिनको समझ आ गया बहुत अमेजिंग. आयोटा पर भी होता है, यस यस यस, ये आयोटा के नीचे भी सेमी लूनर वॉल्व है, पल्मोनरी आर्टरी के नीचे भी सेमी लूनर वॉल्व है. हाँ नो बच्चे, तभी मैंने आपको ज्यादा नहीं बताया, वन सेकेंड, राइट. तभी मैं आपको ज्यादा उसमें नहीं समझाया महिमा, एनसीईआरटी बुक में ये वॉल्व के नाम नहीं है, आपको सिर्फ ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड याद रखने हैं. You can't see what I have written with blue color. अच्छा this one here मैं दोबारा लिख देती हूँ. Iota. Iota is the largest artery in your body. Okay Shanta, let me try one more time. मैं पूरा का पूरा दोबारा से erase कर रही हूँ. Let's do it again. Okay. ओके शांता, आई एम गोना बी आस्किंग यू, आप मुझे बताते रहना, ठीक है. ये मैंने आपको बताया आपका हार्ट है और उसके अंदर है हमारे चार चेंबर्स, ये समझ आ गया आपको. ऊपर वाले क्या बताए थे, दे आर योर एट्रियम, नीचे वाले आर योर वेंट्रिकल्स, राइट. ये चीज समझ आ गया, अभी बता रही स्नेहा, लंग पार्ट पे भी अभी आते. बट शांता आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड, पे अटेंशन हियर बच्चे. All right. एक सबसे पहले वेन जाएगा विच इज कॉल्ड एक्चुअली वेना कावा. वेना कावा इज द लार्जेस्ट वेन इन आर बॉडी दैट इज कैरिंग कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, दैट इज डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू योर हार्ट. सबसे पहले ये बताओ, पहले हार्ट का फंक्शन क्या होता है. आई थिंक शांता आपने कल या परसों का सेशन नहीं करा था अटेंड. डू अटेंड दो सेशंस, हमने बात करी थी ब्लड की, ब्लड वेसल्स की, और फिर मैंने आपको हार्ट के बारे में बताया था इसका फंक्शन क्या होता है. हार्ट जो होता है ना वो ब्लड को पंप कर रहा है, मतलब वो आगे आगे भेज रहा है, ठीक है. तो इट इज अ पंपिंग मशीन हमारी जो हार्ट हो गया. ऑलराइट मूविंग अहेड, तो सारी की सारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आ गया आपके हार्ट में वाया दिस वेना कावा. दिस पार्ट इज क्लियर शांता, आई एम आस्किंग यू बच्चे, बताते जाओ. यस गुड. अब सारा का सारा जो ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है ना, सबसे पहले आता है आपके राइट एट्रियम के अंदर. ये आपको स्टेप्स जो है ना, जो रूट फॉलो कर रहा है ब्लड, ये आपको याद रखना है. सबसे पहले आया हमारा राइट एट्रियम के अंदर, अब यही वाला ब्लड चला जाएगा राइट वेंट्रिकल के अंदर. अब राइट साइड ऑफ द हार्ट और लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में कोई कनेक्शन नहीं है, ये बिल्कुल अलग अलग रूम्स है, ठीक है. राइट साइड ऑफ द हार्ट से लेफ्ट साइड में नहीं पहुंच सकते, लेकिन ये लोग होल वन सेकेंड, आई हैव टू राइट लेफ्ट हियर. ये है आपका लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट. तो आपके लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट पे ब्लड पहुंचाने के लिए एक ट्यूब निकल रही है आपके वेंट्रिकल से, इसको बोला जाता है पल्मोनरी आर्टरी. अगेन इसके अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, तो जैसे ही वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ब्लड आगे चला जाता है इन योर पल्मोनरी आर्टरी. अब ये पल्मोनरी आर्टरी जो होता है ना, इट इज कैरिंग द ब्लड, विच कलर शुड आई यूज, ओके, इट इज कैरिंग द ब्लड टू योर लंग्स, आपके लंग्स में आ जाती है. लंग्स में होता है हमारा गैसियस एक्सचेंज, तो सारा का सारा ऑक्सीजन जो आपने इनहेल करा वो लंग्स में आके आपके ब्लड में चला गया, और सारा का सारा जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड आपके पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू आ रहा था उससे सारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया, ऑक्सीजन जो है वो अंदर चला गया. नाउ द ब्लड विल बी व्हाट, ऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो अब मैं दूसरी साइड पे लेकर जाती हूँ. तो आपके सारा का सारा जो ब्लड राइट नाउ होगा उसमें ऑक्सीजन है, दिस इज ऑक्सीजन रिच ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ये वाली ट्यूब को बोला जाएगा पल्मोनरी वेन. नाउ इट इज कैरिंग द ब्लड बैक टू द हार्ट, ठीक है, दैट्स योर पल्मोनरी वेन.
ऑल राइट, तो सारा का सारा ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है आपके राइट सॉरी सॉरी लेफ्ट एट्रियम में आ गया. लेफ्ट एट्रियम के बाद वो लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया. नाउ फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल एक और ट्यूब बाहर निकलती है. रुको, सो ये मैंने आपको बताया था पल्मोनरी वेन है, और ये वाली जो ट्यूब बाहर निकली है, ऑफ कोर्स नाउ द वेंट्रिकल्स व्हेन दे कॉन्ट्रैक्ट ब्लड आगे चला जाएगा इस ट्यूब के अंदर. इस ट्यूब को बोलते हैं अयोटा. सो ये जो मैंने रेड साइड से रेड पाइप वगैरह बना रखा है, इसके अंदर सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रैवल करेगा, और जो राइट साइड पे सारा ब्लू मैंने बना रखा है, वन सेकेंड, उसमें सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रैवल करेगा. सो नाउ राइट नाउ यू सी आपका राइट साइड ऑफ द हार्ट और आपका लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट कंप्लीटली सेपरेटेड हैं. देयर इज नो इंटरमिक्सिंग ऑफ ब्लड हैपनिंग व्हाटसोएवर. ओके, समझ आ गया बच्चे लोग? एग्जैक्टली है ना, है ना, है ना. बॉक्स डायग्राम इज वे टू इजी रादर देन कॉम्प्लिकेटेड, बट ये सिर्फ समझाने के लिए था. ठीक है बच्चा लोग, शांत का मौन बच्चे, यू नीड टू आस्क मी द डाउट, क्या चीज है जो आपको समझ नहीं आई है. तो इफ आई एक्चुअली राइट द सीक्वेंस ना, मतलब कहां से कहां ब्लड गया, सबसे पहले वेना कावा से, आई एम राइटिंग द सीक्वेंस नाउ, आपके राइट एट्रियम में आया, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आया, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये ब्लड गया आपकी लंग के पास. लंग में जाके सारा गैसेस एक्सचेंज हो गया. नाउ दिस वन सेकेंड कहाँ गया, यस, दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड विल कम बैक टू द हार्ट इनटू द लेफ्ट एट्रियम वाया द पल्मोनरी वेन. और लेफ्ट वेंट्रिकल के एट्रियम के बाद गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद थ्रू द एओर्टा, अयोटा के थ्रू ये पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया, आपके हर एक बॉडी सेल को ऑक्सीजन मिल गया. समझ आ गया? अच्छा शांतन, हाउ इज क्लियर? चलिए ग्रेट. अंकिता बच्चे, आई कम हियर एट 2:30, 2:30 इज माय टाइम. अरे जल्दी से करेंगे, ये चीज समझ आ गई? तो राइट नाउ जस्ट लुक एट द स्क्रीन हियर, जो जिफ मैंने बना रखा है, आई एम गोना इरेज दिस एंटायर स्क्रीन पे जो भी मैंने इंक से लिखा हुआ है. लुक एट दिस, जस्ट फॉलो दिस नाउ. दिस इज द राइट साइड ऑफ द हार्ट और दिस इज द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट. तो यू नीड टू रिमेम्बर दिस, ब्लड जब आपके ऑरिकल्स एट्रियम में आता है ना, इकट्ठे आता है, फिर इकट्ठे आपके एट्रियम स्क्वीज करते हैं तो ब्लड चला जाता है वेंट्रिकल्स में, दोनों साइड साइमल्टेनियसली. साइमल्टेनियसली मतलब इकट्ठे हो रहा है, राइट साइड और लेफ्ट साइड में ब्लड का फ्लो इकट्ठे हो रहा है. नो, एम आई नॉट एट ऑल, दिस इज सच एन इंटरेस्टिंग टॉपिक, आई वॉन्ट ईच वन ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस. तो ब्लड आपके राइट एट्रियम में कहां से आता है? थ्रू द वेना कावा. लेफ्ट एट्रियम में कहां से आता है? फ्रॉम द पल्मोनरी वेन. अब दोनों के दोनों एट्रियम के अंदर ब्लड आ गया, आपको दिख रहा होगा राइट नाउ, दोनों ब्लड में आ गए. अब वो दोनों एट्रियम स्क्वीज होते हैं, कंप्रेस होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो मतलब ब्लड कहाँ जाएगा? नीचे, दोनों के दोनों वेंट्रिकल्स में आ गया. ठीक है, और इफ यू लुक क्लोजली इन इस जिफ को आप क्लोजली देखोगे तो ये जो वॉल्स है ना, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड, ये ओपन एंड फिर क्लोज, ओपन एंड फिर क्लोज ऐसे हो रहे हैं. तो जैसे ही ब्लड वेंट्रिकल्स में आ जाता है, पीछे की ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्स बंद हो गई. सो दैट मीन्स बैक फ्लो नहीं हो सकता ब्लड का. सो राइट नाउ जब वेंट्रिकल स्क्वीज हो रहे हैं, सेकेंड पार्ट में वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ब्लड हैज टू गो अहेड इन टू योर पल्मोनरी आर्ट्री ऑन द राइट साइड एंड अयोटा ऑन द लेफ्ट साइड. राइट, सारिका द वर्ड देयर इज सिस्टोल एंड डायस्टोल, करेक्ट. Yes, we do have a mentee, Sony. Chalo, chalo, chalo. So I hope this part is clear to all. अब एक छोटा सा topic. So basically ये तो हमने पढ़ लिया कि heart के अंदर कैसे contract और relax होते हैं. सबसे पहले आपके atrium जो है, atria जो है, वो contract हुए, squeeze हुए, blood चला गया नीचे ventricles में. और उसके बाद फिर second क्या होता है? Ventricles contract होते हैं. नीचे वाले जो
चेम्बर्स हो गए वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. सो यू नीड टू रिमेम्बर दिस. अब जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए ब्लड आगे चला गया. रुको. All right. I hope this part is clear. तो वेन के थ्रू सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड हार्ट में गया. हार्ट में पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लंग्स में गया. लंग्स में जाके गैसेस एक्सचेंज हुई और उसके बाद ऑक्सीजन वाला ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू वापस हार्ट में आया. एंड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल हमारा अयोटा के थ्रू, रिमेंबर अयोटा, अयोटा के थ्रू सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आर्टरी में आ गया. एंड फ्रॉम दैट आर्टरी सारे के सारे बॉडी ऑर्गन्स को वो ऑक्सीजन वाला ब्लड मिल गया. एंड उनके अंदर रेस्पिरेशन हुआ और एंड में जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई फ्रॉम योर सेल्फ वो आ गई आपकी वेन में वापस. तो ये साइकिल जो है वो कंप्लीटली चलता रहता है. Alright, moving ahead. Heartbeat. ये छोटा सा टॉपिक है, बस ये लास्ट है, इसके बाद मेंटी है हमारा. What is menti? बच्चे, there's this website www.mentimeter.com. उसका आपको वहां पर जाना है and I'll be giving you a code. उस code को enter करके you can be a part of this live quiz. हम जल्दी जल्दी से करेंगे. Yes, very true. Heartbeat क्या होता है? अब मैंने क्या बताया? Contract करता है आपकी हार्ट की मसल्स और रिलैक्स कर रही है. तो वन कॉन्ट्रैक्शन प्लस वन रिलैक्सेशन इज वन हार्ट बीट. तो आपको एक पिक्चर में दिख रहा है जो जिफ मैंने बना रखा यहां पर करा हुआ रखा हुआ है. इसमें आपकी जो हार्ट है वो पंप कर रहा है, मतलब एक बार उसकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स. इट कंटिन्यूअसली योर हार्ट मसल्स आर वर्किंग 24/7. चलती ही रहेंगी ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. व्हाट इज द वर्क ऑफ इंफीरियर वेना कावा? बच्चे इंफीरियर वेना कावा आपकी लोअर बॉडी से सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड लेकर आ रहा है और हार्ट में डाल रहा है, ठीक है. वेल सुपीरियर वेना कावा आपके हार्ट के ऊपर जितना भी कुछ है ना, माउथ हो गया, आईज हो गए, ईयर्स हो गया, ब्रेन हो गया, वहां से सारा कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड हार्ट में डाल रहा है. कार्डियक अरेस्ट जब आपका हार्ट जो है इट स्टॉप्स वर्किंग. ऑलराइट, जल्दी. यस, बिगिनिंग इन जस्ट नेक्स्ट 2 मिनट्स. सो व्हाट इज अ हार्टबीट? हार्टबीट मतलब अगर आप अपना हाथ यहाँ पे रखोगे, अपना थंब और बेसिकली यू होल्ड योर रिस्ट, यू कैन फील पल्सेशंस. अभी राइट नाउ करके देखो. सो यू कैन फील दीज पल्सेशंस आर नथिंग बट योर हार्ट बीट ओनली. आपका जो हार्ट है एक मिनट में, 1 मिनट में अराउंड 72 टाइम्स बीट करता है, ठीक है. दैट मीन्स वन हार्ट बीट कितने सेकेंड्स में होती है? 0.8 seconds, ठीक है. It takes 0.8 seconds for the blood to enter the heart from both the sides, then goes to your ventricles and then out of your heart. Dono side mein. It takes 0.8 seconds. Hey Shaurya, you saw that, is it? Chale. Moving ahead. What is pulse rate? Pulse rate is your number of heartbeats per minute. Humans mein, it is around 72 minutes. 72 times, sorry. क्लियर बच्चे? चले आगे चलते हैं. आई नो बच्चे ओरिजिनल, बट ट्राई करो थोड़ा सा बड़ा बनाकर और या थोड़ा सा तो करना पड़ेगा. यू नीड टू प्रैक्टिस ऑल द डायग्राम्स. दैट्स द मेंटी कोड बच्चा लोग, जल्दी से आ जाइए. 4275870. ऑलराइट, सो आई एम स्टार्टिंग विद द मेंटी राइट वे. देयर आर 13 क्वेश्चंस. Okay, so here it is. जल्दी से use this code. आपने कोई question पूछा था? जो आप नस बोलते हो ना बच्चे, that is actually the vein. वो vein है या arteries वगैरह से आपको पता चलता है. Box diagram में labeling हो जाती है पर original में नहीं हो पाती. That's what बच्चे, yes. थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो ऑफ कोर्स बन जाएगा. मैं भी बना सकती हूँ, जस्ट दैट इस डिजिटल पेन से इट बिकम सो रॉन्ग.
What will go wrong that a human will get heart attack? अच्छा आयान, आपका जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है. अगर सपोज करो आपकी आर्टरी के अंदर बहुत सारा आर्टरी के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है ना, उस ब्लड के अंदर बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल है, बहुत सारा फैटी सब्सटेंस है. जैसे ओबीस पीपल बहुत ज्यादा फैट वगैरह जो खा रहे हैं, तो उनके ब्लड के अंदर वो जो फैट है कोलेस्ट्रॉल है घूमता रहेगा, और अंदर अंदर से उनकी जो ब्लड वेसल है ना उसके ऊपर इनर वॉल पे डिपॉजिट होता रहेगा. एक ऐसा टाइम आएगा कि पूरा का पूरा जो ब्लड वेसल है ना, आर्टरी जो हो गया या आपके हार्ट की जो मसल वगैरह है, हार्ट का जो पूरे चेम्बर थे वो ब्लॉक हो गए. ब्लॉक होने की वजह से ब्लड आगे फ्लो ही नहीं कर रहा, तो उस टाइम पे योर ब्लड मस योर जो हार्ट है इट विल स्टॉप वर्किंग. ऑलराइट बच्चे, आपको क्वेश्चन तो था ही नहीं कोपल. चलिए मूविंग अहेड, सो वी हैव ऑलरेडी 47 स्टूडेंट्स हियर. द कोड बच्चे लोग इट्स 4275870 एंड आई एम स्टार्टिंग विद द मेंटी राइट अवे. ऑलराइट देयर यू गो, क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन्स. Come students hai bachche, but I really have to rush, so I'm not waiting for more. Jitne bhi hain jaldi se answer karenge. I hope you guys have understood this entire chapter. First question kya keh raha hai, these are tubes that carry blood back to the heart. Jaldi se, which are the blood vessels that carry the blood towards the heart? What's the answer? All 50 of you bachche log, artery, vein, pipes ya acha ye tubes hona chahiye waise. Jaldi, time is up and the correct answer is veins. So remember this, jo blood vessels, jo blood ko heart ki taraf lekar jate hain towards the heart, they are called veins. Thank you so much bache, I am so glad aapko samajh aa gaya pura. On to the leaderboard. So we have Bhaskar on the top, lovely star, Piyush Bansal, Pro Hackers, Kushagra, Ishan, Umang, Kanishk, Shivam, Neil and Sneha. Great job, बहुत amazing. आगे चलते हैं to question number 2. अब जल्दी जल्दी से finish करने वाले बच्चे हम. What wall separates the left and the right side of the heart? मैंने अभी आपको बताया था. पूरा का पूरा जो राइट साइड है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल इज कम्प्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम द लेफ्ट साइड, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल. बीच की वो मोटी सी वॉल जो है उसको क्या कहते हैं? वेंट्रिकल, एट्रियम, सेप्टम या द ग्रेट वॉल? कम ऑन कम ऑन कम ऑन, आंसर के जल्दी से. देयर इज अ लैग, होना तो नहीं चाहिए. द करेक्ट आंसर इज 38 of you got it right. Septum बोलते हैं बच्चे. Come on. अभी मैंने आपको पूरा एक बॉक्स वाला वो भी बताया था, डायग्राम में बताया था, जो राइट साइड है वो कम्प्लीटली सेपरेटेड है इस वॉल से फ्रॉम द लेफ्ट साइड. दैट्स कॉल्ड सेप्टम. हाय जोश ना बच्चा, चलो चलो ग्रेट गोइंग. सो लीडर बोर्ड पे पीयूष बंसल इज एट द टॉप. ओ नो नो नो, यहाँ पे तो चेंज हो गया. सॉरी सॉरी, we have Umang right now leading. Super Umang, बहुत amazing था ये तो. So great going, then Kushagra, Taha, Newton, Piyush, Shivam, Abhishek, Dishita, Mrunal and Pro Hackers. Wow, it's completely changed right now. I hope you guys know the answer now, septum kya hai. Moving ahead, third question. The movement of blood through the heart and body is called circulation, locomotion, ventriculation या heart pump. सोच के देखो, द मूवमेंट ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट एंड देन द बॉडी इज कॉल्ड. यस यस यस, यू नो द आंसर. रवि एब्सोल्युटली राइट. ओके, आप सभी बच्चे आंसर ठीक दे रहे हैं. सुरेंद्र, कोपल, सुरभि, आर्यन एंड यशिश, लवली. टाइम इज अप, द करेक्ट आंसर इज सर्कुलेशन. सर्कुलेशन का मतलब ही होता है द मूवमेंट ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट एंड देन थ्रू द बॉडी इन साइड द ब्लड वेसल्स, राइट. चलिए गुड, सो बैक टू द लीडर बोर्ड. क्या हुआ बच्चे, टू फास्ट एज इन वी आर गोइंग टू फास्ट? Alright, Kushagra is right now at the top. यहाँ बहुत changes हो रहे हैं बहुत जल्दी जल्दी से. Great. Piyush at the second spot. बहुत amazing. Umang, Dishita, Taha, Shivam, Abhishek, Savan, Brunal and Neil.
गुड गोइंग बच्चे लोग, एंड आई होप यू फाइंड दिस सेशन जो हम कर रहे हैं इंटरेस्टिंग, लग रहे हो आपको समझ आ रहा है. अगेन कोई भी डाउट होता है यू कैन ऑफ कोर्स राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो द अंडरनीथ द वीडियो, उसमें आप लिख सकते हैं एंड आई डेफिनेटली रिप्लाई टू इट. चले चले मूविंग अहेड, क्वेश्चन फोर्थ ऑन योर स्क्रीन, व्हिच पार्ट एक्ट्स लाइक डोर्स दैट कंट्रोल द ब्लड फ्लो इन द हार्ट. इन चारों में से कौन से ऐसा पार्ट है जो कि एक्ट करता है एज अ डोर, अ वॉल्व, हार्ट डैम्स, किडनीज या चेम्बर्स. एंड टाइम इज अप, द करेक्ट आंसर इज वॉल्व. राइट, वॉल्व मैंने आपको क्या बताया था, खुलेगा फिर बंद हो जाएगा, इट जस्ट प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड. ग्रेट गोइंग, राइट आर्यन, यस यस यस, यू ऑल गॉट इट राइट हियर. So let's see who is at the leaderboard right now. All right, thoda se changes hue. Piyush at the top, lovely Piyush Bansal, and I think Shivam has made it to the leaderboard. Shivam Morre also, Shivam got a check also. Great going. Menti code, jaldi se aajao bache. It's 4275870. Hurry up, hurry up. Next question on your screens. You can keep your heart strong by जल्दी से बताओ अपने हार्ट को, हार्ट की मसल्स को स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हो. ईटिंग हार्ट शेप्ड कैंडीज, डूइंग एक्टिविटीज लाइक आउटसाइड रनिंग एंड राइडिंग अ बाइक एंड स्विमिंग वगैरह से हार्ट को स्ट्रॉन्ग रख सकते हो, स्मोकिंग से हार्ट को स्ट्रॉन्ग रख सकते हो, या स्लीपिंग 18 आवर्स अ डे से अपना हार्ट स्ट्रॉन्ग रख सकते हो. हाय आरोही, हैप्पी बर्थडे टू यू बच्चे, many happy returns of the day. And menti code bache aapko screen pe dikh raha hai, 4275870, and 41 of you got it right. Obviously agar aap 18 hours sote rahoge aapka heart strong nahi hoega, of course activities se. All right, so what do we have here, let's see. Okay, Dishita has made it to the top of the leaderboard. This is going so tremendously well. I mean सारे के सारे हर क्वेश्चन के बाद पूरा का पूरा लीडर बोर्ड चेंज हो रहा है. लीडर बोर्ड किस बेसिस पर आता है बच्चे, इफ यू आंसर करेक्टली, बट बहुत जल्दी करना पड़ता है. आपने वो शो देखा था केबीसी, कौन बनेगा करोड़पति, उसमें फर्स्ट फिंगर फर्स्ट होता था, दैट थिंग. तो आप जितना जल्दी आंसर करोगे, करेक्ट आंसर करोगे, आपको उतने ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, और उन स्कोर्स के बेसिस पे, उन पॉइंट्स के बेसिस पे यू विल कम अप द लीडर बोर्ड. द बीटिंग साउंड योर हार्ट मेक्स ड्यूरिंग the beating sound the heart makes comes from. All right, ते जो आपकी हार्ट बीट करती है, जो धक धक वाला साउंड होता है, इसको एक्चुअली बोलते हैं लब डब वाला साउंड, वो होता है बिकॉज ऑफ द वॉल्व्स क्लोजिंग. ये जो आपका ब्लड मूव कर रहा है आगे आगे, और पीछे की वॉल्व बंद होती जा रही है, तो जो क्लोज हो रही है ना, क्लोजिंग से आपका ये साउंड आता है लब का. ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व जब बंद हुई थी तो लब का साउंड, और उसके बाद जो सेमी लूनर वॉल्व बंद होती हैं तो डब का साउंड. वी हैव ऑलरेडी डन दिस इन, जब हमने पूरा का पूरा टॉपिक डिटेल में करा था. ऑलराइट, बैक टू द लीडरबोर्ड, लेट्स सी. ओके, सो दिशिता इज स्टिल लीडिंग, गुड जॉब. देन वी हैव उमंग, ताहा एंड पीयूष, शिवम, आकांक्ष, कुशाग, भास्कर, सावन एंड श्रेया. आर्यन, यू आर 20th, वेल डन, बहुत अमेजिंग. चलो चलो बका, वी स्टिल हैव फ्यू क्वेश्चंस टू गो, जल्दी से करेंगे. आहा, हाय कोविड बीबर, वेलकम बैक बच्चा. जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, व्हिच ऑर्गन, व्हाट ऑर्गन रिमूव्स द वेस्ट फ्रॉम द ब्लड. आपके ब्लड में से कौन सा ऐसा ऑर्गन है इन चारों में से विच रिमूव्स द वेस्ट, जितना भी ब्लड के अंदर है. ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट, मूविंग अहेड, जल्दी से. हार्ट, लंग्स, आईज या किडनीज, इन चारों में से कौन सा एक ऑर्गन है जिससे सारा का सारा वेस्ट रिमूवल होता है. वी हैव किडनीज एज द राइट आंसर, लवली. लंग्स से आपका वेस्ट थोड़ी रिमूव हो रहा है, लंग्स से सिर्फ आपकी गैसियस एक्सचेंज हो रही है, हार्ट में पंपिंग ऑफ ब्लड हो रहा है, हाई से कोई वेस्ट बाहर नहीं निकल रहा है, सिर्फ किडनीज में से आपका सारा का सारा नाइट्रोजनस वेस्ट, टॉक्सिन वगैरह जितना भी आपके ब्लड में प्रेजेंट है वो रिमूव होते हैं. क्या हुआ जोशना बच्चे, एब्सोल्युटली राइट, इजंट इट बीइंग पंक्चुअल.
All right, moving ahead. So on the leaderboard, Taha has moved on the top. Great job, good job. Piyush, Akansh, Bhaskar, Dishita, Savan, Umang, Shreya, Neel and Satyam. Great going. Aage chalte hain. To our next question, bachcha log. Question 8 now. What is the main job of red corpuscles in the blood? Basically, RBC ka function. Jaldi se answer kar dijiye. Of course you can, bachche. We still have a lot many questions to go. 6 more to go actually. Main job of RBC. RBC ka function kya hai? To clot the blood, to fight disease, to transport oxygen to the body cells and carry away carbon dioxide from the cells. You have to transport carbon dioxide to the body cells and carry oxygen from the cells. C is absolutely right. Clotting of blood hota hai platelets ka function. Or fight infection hota hai WBC ka function. So remember this. We've already done this. Of course I do. Kali to mile the, isn't it? Chali, moving ahead. So Taha is still leading. Good job. Aage chalte hain. To our ninth question, bachcha log, 4 more to go, so jaldi se karenge. Which of the following can be best compared to soldiers? The soldiers of the body, maine kisko bola tha? Lungs ko, capillaries ko, RBC ko, ya WBC ko. Soldiers kya karte hain? They fight, they protect us, right? So, kaun sa aisa part hai humari body ke andar jo hume protect karta hai? All right. I want the answers here in the menti. Jaldi se. 5 more seconds, bachcha log. Jaldi se answer kar dijiye. Soldiers of a body kaun se hain? Time is up. WBC. Good job. Sab ko chapter samajh aa gaya, I think. Lovely. Bahut amazing. And jin bachcho ne galat answer kara hai, bachcha log, I would really suggest aap sare previous videos dekh lijiye. Taha, aapne answer galat kar diya hai, but don't worry. I hope now you'll remember this, right? So Piyush Bansal has made it to the top of our leaderboard. Good job, bahut amazing. Moving ahead to question number 10th now. The atria are the upstairs chamber of the heart. And these parts are the downstairs chamber. So agar aap ghar bana do, ek heart ko apna ghar bana do, to first floor par ho gaye hamare atria. Ground floor par downstairs, कौन से चेंबर्स होते हैं? जल्दी जल्दी जल्दी. वॉल्स, वेंट्रिकल्स, ब्लड या कैंडी हार्ट. सो द डाउनस्टेयर्स चेंबर्स, द ग्राउंड फ्लोर ऑफ द हार्ट कौन बना रहा है? कौन से चेंबर्स बना रहे हैं? टाइम इज अप एंड द करेक्ट आंसर इज वेंट्रिकल्स. सब कुछ आता है आप लोगों को. वेल डन, बहुत अच्छा. आई नो, है ना, राइट स्नेहा. चलिए, मूविंग अहेड टू द लीडरबोर्ड. And all right, super, no doubt, right? So Piyush Bansal still at the top, bachcha, bahut amazing. Aage chalenge. There is a lag, bachcha, check your internet there. Yashish, to our 11th question. So right now we are on the third last question. Hamare paas total 13 hai aaj. जल्दी से, why does blood turn dark red as it circulates throughout the body? आपने कभी नोटिस करा है आपके वेन के अंदर जो ब्लड होता है वो थोड़ा डार्किश रेड होता है, लेकिन आर्टरी के अंदर जो ब्लड होता है वो बहुत ही ब्राइट रेड होता है. रेड ब्लड बोलते हैं ना, सॉरी, ब्लड रेड बोलते हैं ना कलर को, बिल्कुल ब्राइट रेड होगा, लेकिन वेन के अंदर वाला ब्लड इज डार्क रेड. व्हाई इज इट सो? व्हाट्स द करेक्ट आंसर हियर? Yes, absolutely right. So 30 of you got it right. Oxygen jo hota hai, oxygenated blood hamara artery ke andar present hota hai. Aur wo replace ho jata hai by carbon dioxide inside your veins. That is what the reason is. Alright, you are Akshansh, right? Okay, Akshansh, I'm gonna remember that. Chali, jaldi se answer kijiye. Alright, so the leaderboard right now. So Piyush still leading. Bahut amazing. आगे चलते हैं टू आर सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. ओ, गॉट इट रॉन्ग. चलिए, कोई बात नहीं. आई होप यू गेट दिस द नेक्स्ट वन राइट. हाउ मेनी चेंबर्स डज द हार्ट हैव? ह्यूमन हार्ट, माइंड यू, क्वेश्चन इज फॉर द ह्यूमन हार्ट. हाउ मेनी चेंबर्स डज द ह्यूमन हार्ट हैव? जल्दी जल्दी जल्दी, 15 मोर सेकेंड, बट आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू आंसर बिफोर द टाइमर एंड्स.
दिस इज सेकेंड लास्ट क्वेश्चन बच्चे लोग, इसके बाद सिर्फ लास्ट क्वेश्चन होगा विच इज गोइंग टू टेल अस हु द विनर इज. ऑलराइट ऑलराइट, सो 3, 2, and 1 थम्स अप. कम ऑन, वी हैव डन दिस. 4 चेंबर्स है हमारे ह्यूमन हार्ट में, 2 ऊपर वाले वेंट्रिकल्स और 2 नीचे वाले, सॉरी 2 ऊपर वाले एट्रियम और नीचे वाले वेंट्रिकल्स. सो 4 चेंबर्स इन ऑल, 4 रूम्स हैं आपके हार्ट के अंदर. ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट, मूविंग अहेड. सो लीडर बोर्ड पे लेट मी जस्ट गो थ्रू द एंटायर लिस्ट, बिकॉज इस क्वेश्चन के बाद हमें हमारा विनर मिलने वाला है आज के सेशन का. पीयूष बंसल, बहुत अमेजिंग बच्चे, आप बहुत अच्छा कर रहे हो. अक्षांश, यू मेड इट टू द सेकंड स्पॉट, लवली. देन वी हैव दिशिता, अद्वैत एंड शिवम, उमंग, सेंट एल्मो एंड सत्यम, कुशाग्र, चिराग. ग्रेट जॉब. यस बच्चे, श्योरली. आगे चलते हैं टू आर लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन. जल्दी से आंसर कर दीजिए. विद सर्कुलेशन द हार्ट प्रोवाइड्स योर बॉडी विद. अब सर्कुलेशन का प्रोसेस तो समझ आ गया, राइट? मूवमेंट ऑफ ब्लड इन योर बॉडी. तो इस मूवमेंट की वजह से आपकी बॉडी को क्या क्या मिल रहा है? ऑक्सीजन मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, अ वे टू गेट रिड ऑफ द वेस्ट वो बनता है, या ऑल ऑफ द अबव. हाय अमन, जल्दी से आंसर कर दीजिए. टेल मी. तो बेसिकली आपके हार्ट में जो ब्लड फ्लो कर रहा है, कौन सी चीज है जिसकी ट्रांसपोर्ट हो रही है? 26 ऑफ यू गॉट इट राइट. बच्चा लोग, सबका आपके ब्लड जो है उसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स, सारे वेस्ट मटेरियल, सारा ऑक्सीजन, सब कुछ इस ब्लड के अंदर प्रेजेंट है. ऑलराइट, सो ऑल द अबव इज एब्सोल्युटली राइट. एंड विद दिस Let us see हमारे लीडरबोर्ड का क्या स्टेटस है. हाय हरप्रिया बच्चा. ओके, सो व्हाट डू वी हैव हियर? पीयूष बंसल इज द ली इज द विनर ऑफ टुडेज मेंटी हियर. गुड जॉब. हाय हाय मायशा. यस 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 अक्षांश, यू आर द सेकंड स्पॉट. वेरी नाइस. बहुत ही क्लोज था आप में और पीयूष में, दोनों का पॉइंट डिफरेंस इज वेरी क्लोज देयर. And बहुत neck to neck था. Then we have Trishita, I think, at the third spot. मुझे वैसे बच्चों के नाम दिखाई नहीं दे रहे हैं, but well done all of you. I'm so proud of you. Thank you for joining this session. बच्चे लोग, I hope आपको ये पूरा circulation वाला topic जो है ठीक से समझ आ गया है. In case you have a doubt, हमने detail में पूरा topic already कर रखा है. Go to the playlist of this channel and do check out those videos. Great, great, great. बहुत amazing. I am proud of each one of you. So good job, और हम कल दोबारा मिलेंगे with some new interesting topics, किसी और चीज के बारे में discussion करेंगे. So do join me tomorrow at 2:30 PM. Lunch करके आइएगा, and yes, so have a very productive day बच्चा लोग, and goodbye from my side. Bye bye.